अच्छा भालू की। तो मैं डर के मारे उस डंडा रख दिया उनका ग्रोथ करता रहा डर का मारा तो भालू वहाँ से सीधा उठ के खड़ा हो गया। अच्छा आपकी तरफ हमारी तरफ डर भी लगा तो मैं पीछे नहीं हटा। अच्छा मैं उसकी तरफ कोई 2-3 inches अच्छा उसकी तरफ अच्छा तो भी रुक गया। अच्छा अच्छा वो डांग मार दिया उसको डंडा उसके मुंह में लगी हमारे को पता नहीं नाक में लगी अच्छा। मुंह में लगी कहाँ लगी पता नहीं तो डंडा मेरे हाथ से निकल गया। डेरे में देखो आउटडोर लंच यहाँ देखो इस तरफ देखो जंगल यहाँ पीछे देखो जंगल यहाँ भी जंगल कैंगल। अगर आप कैंगल सर्च करोगे ना तो वर्ल्ड के सबसे जो डॉग हैं सबसे ज़्यादा बाइकोट। उसके बाद कभी हुई आपकी मुलाकात दोबारा? दोबारा जी हाँ हमारे को तो मिलते रहते हैं ये जानवर को। काला भालू मिलता है लाल भालू मिलता है हमारे को। अच्छा अच्छा सारे भालू हमारे को मिलते हैं। अच्छा अच्छा तो दोस्तों अभी चल पड़े हैं दलदल की तरफ डूबने के लिए सुसाइड पॉइंट। अभी जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम हैं थे डैम में, डैम का नाम थे है। और अभी जिस जगह पे हम रुके हैं उस जगह की इम्पोर्टेंस देखो। सामने जो आपको स्टैंड दिख जो ये वाली साइड है इस तरफ ये वाली तरफ यहाँ है J&K जो ये वाली तरफ है ये मतलब इस तरफ ये है हिमाचल एंड जो ये वाला स्टैंड है मतलब इस तरफ ये है पंजाब। तो व्यू देखो अभी हम सिल्टी एरिया में हैं फिलहाल और यहाँ से नीचे जाने का जोखिम हम नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी को पता होगा कि डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर ऐसे रिस्क नहीं लेंगे हम क्योंकि जीवन हमारा अनमोल है। अभी हमने बहुत कुछ उखाड़ना बाकी है फिलहाल यहाँ तक ही जाएंगे। बाकी ट्रैक्टर वगैरह देख सकते हो उधर उधर देख सकते हो ट्रैक्टर अंदर तक चला गया ट्रैक्टर। तो अभी चल पड़े हैं सभी डेरे की तरफ और देखो झाड़ियों के बीच से जा रहे हैं। सामान लिया हुआ है खाने पीने का। अभी दिखाते हैं आपको डेरा यहाँ देखो नीचे भेड़ बकरियाँ चल रही हैं। अच्छा अच्छा देखो भाई आगे भाई डेरे में आगे बाबा बालक दे दे बाले बेचारा हाँ ना हो रही एडिया है हत्था धुआं दा। तो दोस्तों अभी हमारा लंच हो रहा है एक्चुअली डेरे में देखो आउटडोर लंच यहाँ देखो इस तरफ देखो जंगल यहाँ पीछे देखो जंगल यहाँ भी जंगल पीछे देखो ये पूरा का पूरा बाड़ है। सब कुछ दिखाते हैं पहले खाना वगैरह खा लेते हैं। खाने में है गोभी मटर गाजर पूरी झाड़ियों के अंदर देखो भेड़े इतनी सारी हो देखो देख पूरा का पूरा धान यहीं पे घूम रहा है आगे पीछे ये देखो अभी जाने वाले हैं जहाँ पे बकरियाँ हैं वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे तो भेड़ का जो भेड़ों का जहाँ पे दशहरा था वहाँ पे तो हम जाके आ गए। अब बकरियाँ दिखाएंगे आपको जहाँ पे दूध भी निकाल के बताएंगे शाम को अपने उस्ताद को अपने उस्ताद को दूध पिलाएंगे। उस्ताद थोड़े थकावट महसूस कर रहे हैं।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेरे में, और अभी दिखाओ भाई, ये देखिए आग जल रही है फिलहाल। ये देखिए भाई हमारे, क्या हाल है भाई? बढ़िया है। देखिए दादाजी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हमारे मामा साहब। क्या हाल है मामा साहब? बढ़िया मस्त। पीछे देखो, पीछे दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ी देर आग वगैरह सेकते हैं। और मामा साहब, मामा साहब फिर आज कहाँ तक लेके गए थे, कितना दूर? बड़ा दूर नहीं, था नज़दीक ही था। हाँ, अच्छा, कितनी कर भेड़े और बकरियां हैं फिर? खासी ना, फिर भी हजार? हाँ, हो सकती है हजार तक। ठीक, तो फिर इधर जंगल में आप जैसे रहते हो, तो इधर जीव का खतरा नहीं होता? जीव का भी बहुत होता है। होता है बहुत? अच्छा, कौन सा जीव होता है? वो चितरे रंग का होता है। अच्छा, क्या बोलते हैं आप उसको? बाघ बोलते हैं। बाघ? मृग? हाँ, मृग बोलते हैं। हाँ। अच्छा, आता है रात को? आता किसी समय पर। अच्छा, डेली नहीं आता? नहीं। अच्छा, कभी कभी? कभी। कुत्ते वगैरह भी हैं? हाँ, कुत्ते भी। कितने? छः। छः कुत्ते? हाँ। अच्छा, तब तो सिक्योरिटी तकड़ी है। कभी किया भी है हमला जीव ने? हाँ, किया जरूरी। अच्छा, हाँ, कभी ऐसे डेरे के आसपास से ले गया? लेके गया है। अच्छा, कुत्ते क्या कर रहे थे? कुत्ते भी ऐसे भौंकते थे, जो पता नहीं लगे कुत्ते ने हुई। अच्छा, वैसे ही ले गया? ले गया। अच्छा, मिला नहीं फिर वो? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तब तो था किसका? साथी का था। अच्छा, ठीक है। तो इधर जैसे आगे पीछे इंसान को तो नहीं आता? नहीं, धन को ही पड़ता है खाना। हाँ। अच्छा, माल को मारता है। अच्छा, किस? तो अभी दोस्तों खाना बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखिए भाई, यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, तो अभी दाल को लग रहा है तड़का। और यहाँ पे देखो पूरी महफिल जम चुकी है। एक भाई यहाँ पे आ चुके हैं, पीछे देखो मामा साहब, और उसके पीछे तीन और मामा साहब। देखो, एक हमारे साथ में बैठे हैं, एक हमारे पवन चाचू, एक हमारे दादाजी, और एक उस्ताद जी हमारे। नौ बंदे? दस बंदे। तो कुल मिला करके 10 बंदे हैं आज डेरे में। सो क्या कहना चाहेंगे मामा साहब आज? थोड़ी यार रौनक क्यों नहीं है? रौनक नहीं, डेरे में रौनक। रौनक उधर पीछे बैठी है क्या? ये है रौनक, सब्जी रौनक ये है। देखिए भाई, कुत्ते भी आ चुके हैं डेरे के पास। यहाँ पे एक एंगल डॉग था, कहाँ गया पता नहीं, नीचे चलो। ये देखो, ये दिख रही है भेड़ बकरियाँ। देखो जी, आगे लगाओ, आगे उधर देखो, एंड तक दिख रहे हैं। हाँ देखो ऊपर, ये देखो बकरियाँ ही बकरियाँ हैं। देखिए भाई कैंगल, देखिए भाई तीसरा कुत्ता। देखिए दोस्तों, अभी खाना वगैरह बन करके अब डिवाइड हो रहा है थालियों में। देखो थालियाँ भी, देखो थालियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी थाली है। हाँ देखो क्यों कभी। देखो कैंगल ले ओ जी, दो बैठे की चोरा। वही करते हैं फिर शुरू। बिल्कुल नहीं लग रहा है। कुछ छेड़खानी हुई अभी, देखो कुत्ते कैसे भाग रहे हैं। वो तो कोई गांधी एरिया कैंगल, अगर आप कैंगल सर्च करोगे ना, तो वर्ल्ड के सबसे जो डॉग हैं, सबसे ज्यादा बाइट फोर्स इस कुत्ते का है। ये देखो पीछे, स्पेशली जम्मू से आया हुआ है। सो अभी सभी ने खाना वगैरह खा लिया है। तो मामा जी, कभी कैंगल की झड़प नहीं हुई है किसी बाघ वगैरह के साथ? इसकी? हाँ जी, इसकी नहीं हुई है। नहीं हुई झड़प किसी और की? और की भी नहीं हुई। नहीं हुई है? अच्छा, आपने देखा है रूप आमने सामने कभी? शेर, शेर बाघ? बाघ हमने देखा है। देखा है? देखा। कब? बड़े साल की बात है। अच्छा, कैसे आया था? वैसा जैसा बिल्ली होती है, उसने जितने वो छलांग मारता उस टाइम तो शेर ही होता। अच्छा, अच्छा। रात के टाइम? दिन के? बिल्ली भी रात होता है। अच्छा, रात के टाइम? दिन के टाइम? दिन के। अच्छा, क्या अटैक किया था उसने? नहीं, कोई अटैक नहीं किया। अच्छा, ऐसे ही कभी अटैक हुआ है? बहुत बारी हुआ है। अच्छा, कोई जबरदस्त किस्सा? नहीं, आपने जब आपके सामने सामने से उठा के? नहीं 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 उठाया है। भेड़ को कभी ले गया हो? बस बैक साइड में होता है। अच्छा, साइड में। अच्छा,
मामा साहब आपके आप हुए हैं कभी रूबरू बाघ के साथ? हाँ हुए हैं। हाँ नजदीक मैंने देखा है। नजदीक से देखा है? देखा है मैंने। और मेरी कुत्ती थी एक ना, कुतिया मामा, उसको पड़ गई। अच्छा, को दो तीन बार वो उसको पड़ती रही, लास्ट में वो उठा के ले गया कुत्ते को पहले उठा के ले गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद कभी हुई आपकी मुलाकात दोबारा? जी हाँ, हमारे को तो मिलते रहते हैं ये जानवर। तो काला भालू मिलता है, लाल भालू मिलता है हमारे को। अच्छा अच्छा, सारे भालू हमारे को मिलते हैं। अच्छा अच्छा, कि जंगलों में होते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मिलते हैं यहाँ पे। इस साल भी मिला? इस साल नहीं देखा। इस साल चलो, इस साल नहीं, माता रानी का शुक्र है। भाई आपने कभी देखा है? नहीं देखा है भाई। नहीं देखा है? दादाजी आपने? मैंने देखा पर बहुत साल पहले। अच्छा, भालू की भी टक्कर हुई है? अच्छा, बात की भी हुई है? सच में बताएंगे किस्सा भालू की कब हुई और क्या क्या कह रहा था? भालू ने छिल्लू को पकड़ा। अच्छा, तो छिल्लू रोने लगा। अच्छा, तो मेरे को भी दर्द हो गया, तो मैंने थोड़ा बट्टा उठा उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। पत्थर से? हाँ, पत्थर लेके हाथ में, एक डंडा भी हाथ में था छोटा जैसा। अच्छा, तो वहाँ मैंने कोई दो मिनट सोचा इसको मैं मारूं तो इसको इसने मेरे को खा जाऊं, क्या करूं। तो जैसे छिल्लू को झटका लगाता था और रोता था सहन नहीं होता, तो मैंने पत्थर जोर से मारा, आधा डाली में बुट्टे की डाल थी पेड़ की टहनी में लग गया, आधा लग गया। वहां से दोबारा पट के उसके पेट में गया। अच्छा, भालू की पीठ में गया। तो मैं डर के मारे उस डंडा हाथ में रख दिया, करता रहा धरका मारा, तो भालू वहां से सीधा उठ के खड़ा हो गया। अच्छा, आपकी तरफ? हमारी तरफ। डर भी लगा तो मैं पीछे नहीं हटा। अच्छा, मैं उसकी तरफ कोई दो तीन इंच। अच्छा, उसकी तरफ। अच्छा, तो अभी रुक गया। अच्छा अच्छा, वो डांग मैंने मार दिया उसको डंडा जी, उसके मुंह में लगी, हमारे को पता नहीं नाक में लगी कि मुंह में लगी, कहां लगी पता नहीं। तो डंडा मेरे हाथ से निकल गया तो भालू मुड़ गया। अच्छा, आगे जाके भालू सीधा छिल्लू को पच मारी, भाग गया। तब तो आपने बहुत नजदीक से देखा। दूसरा साथी भी आ गया हमारा। अच्छा, बोला क्या हुआ, मैंने भालू ऐसे ऐसे किया तो छिल्लू को उठा के ले गया। अब तो दो हो गए, चल मेरे साथ उसको छुड़ाते हैं। अच्छा, तो साथी कांप गया, डर गया, कांप गया। हाँ, हम नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा, हम भी बच गए। आपने तब तो बहुत नजदीक से देखा, लड़ाई भी की है, लड़ाई भी, भालू को भी हराया है। हराया भी। चलो, बहुत बहादुरी वाला किस्सा था। और तेंदुआ नहीं हुआ है रूबरू कभी? अच्छा, चलो, शेर तो मिला है दो तीन बार। शेर भी मिला है दो तीन बार? अच्छा, फिर एक बार तो मेरे पीछे पीछे चला, पीछे देखना। अच्छा, रुक जाना। अच्छा अच्छा, मैंने चल पड़ना तो उसने पीछे चल पड़ना। अच्छा, फिर रास्ता भी ऐसे था, पतला रास्ता था, यहाँ भी डंगा लगा था। अच्छा, रुक जाने को रास्ता थोड़ा कम था। तो जब वो डंगा जो था ना वो खत्म हुआ तो मेरे से वो छूट गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया। वो घूम के फिर रास्ते में माल के अंदर उसने अटैक कर दिया, कोई 12 फुट लंबा हो गया। अच्छा, मेरे मुंह के आगे। अच्छा, वहां से मैंने फिर शवा से कुत्ते को, वो फिर भाग गया। अच्छा, फिर वहां से निकला, आगे जाके एक भिड्डू, छोटा भिड्डू पकड़ा उसने, जो आगे साथी थे उन्होंने बोला कि अब ले गया। मैंने बोला कि अब जाने दो, अब आराम से चलो। अच्छा, बस ऐसा हुआ। तब तो डर भी काफी ज्यादा लगा होगा। मेरे को तो कोई डर नहीं था उसका कोई डर नहीं। अच्छा, आदमी से हाथ जान बढ़ डरता है, कितने भी जान भालू भी डर का मारा ऐसे नहीं खाता है, डर का मारा ऊपर जाता है। चलो, हमें तो बात सुन के यहीं पे ही डर लग गया, तो रूबरू तो होना बहुत दूर की बात है। तो फिर आज कुछ गाना वगैरह करता है, गाना लगाएंगे लगाएंगे मामा साहब? बहुत अच्छा, तो फिर शुरुआत कर ही देते हैं। जाओ अपनी साइड कर दो सारी, बस इसी साइड जाओ, टांड भांड पकड़ लो अपना। तो अभी मामा साहब हमें गाना सुनाएंगे, गाना वगैरह सुन लेते हैं। हमारा लाहौर हमारा मेरे घोट घर तेरे घोट मीना बोला।
डब्बा पकड़ लिया डब्बा सही शराब की हमला कर लेने में टूट गई ओ चैन पे लजुल गयो रे अजय के चैन लागो तिरगु ओ नेकड़े वो जे जा रे ओ मेड़े माम टीका गाना सुन लिया हमने, आया मजा? बिल्कुल भाई प्रो। अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, सुबह आएंगे यहाँ पे। और तो चलिए फिर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। जय श्री राम जय श्री राम।